श्री कृष्णा, स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपकी सारथी हूँ। बहुत बार बहुत तरीके से मैंने आपको अपने पति को वश में करने के अनगिनत उपाय बताए हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ 2 या 3 ऐसे सटीक उपाय बता रही हूँ जिससे आपके पति पूरी तरीके से सिर्फ आपके ही हो जाएं, किसी और के वहाँ आने की गुंजाइश बिल्कुल भी ना रह जाए। निरंतर रूप से करिएगा, अपने मन के भावों को सही रखिएगा, ज़बरदस्ती किसी को अपना बनाने की कोशिश मत करिएगा। किसी का रिश्ता बहुत मजबूत चीज़ होता है, उसे टूटता हुआ देखकर बहुत दुख होता है। एक बाप बहुत अरमानों के साथ अपनी पूरी जीवन की कड़ी तपस्या करके अपनी बेटी का ब्याह करता है, उसे बस एक ही उम्मीद होती है कि जिसके हाथ में वो अपनी बच्ची का हाथ दे रहा है वो उसका जीवन भर साथ दे, उसको निभाए, उसको खुश रखे। लेकिन जब वही बेटी दुखी होती है तो उस बाप की छाती क्या कैसे महसूस करती है हम तो सोच भी नहीं सकते। एक माँ अपने छोटे छोटे अरमानों को मारकर अपनी बच्ची को किसी और को सौंप देती है, जिसे जन्म देती है, पालती है, परवरिश करती है, उसे बहुत लाड़ और प्यार से किसी और को दे देती है, इस जिम्मेदारी के साथ, इस भरोसे के साथ, इस यकीन के साथ कि वो व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी जीवन भर उठाएगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा तो सबको आता है, मुझे भी आता है, मैं भी करती हूँ। मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं गुस्सा नहीं करती, मैं करती हूँ, पर मेरे अंदर ठाकुर जी ने एक बहुत अच्छी चीज़ दी है, जानते हैं क्या? उस गुस्से पर माफ़ कर देना। बुरा हमें बहुत कुछ लगता है, शायद हमें जो चीज़ें करनी नहीं होती या जिन्हें हम कर नहीं सकते या हम नहीं चाहते कि सामने वाला वो करे, वो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं क्रोध दिलाती हैं। क्रोध होना, नाराज़ होना, गुस्सा होना, रूठ जाना, ये सब तो रिश्तों के भाग हैं, इन्हें तो इन्जॉय करना चाहिए। पर इन सब के आधार पर आप अपने रिश्तों को तोड़ने पर क्यों आ जाते हैं? इन सब का आधार बनाकर आप किसी तीसरे का हाथ क्यों पकड़ लेते हैं? बहुत सारे आदमियों को मैंने सुना है अपनी बीवियों को सिर्फ कोसते रहते हैं, यही कहते रहते हैं वो मेरे लिए ऐसा नहीं करती, वो मेरे लिए वैसा नहीं करती, इसलिए मेरा प्यार उसके लिए ख़त्म हो गया। अरे वो प्यार ही क्या था जो ख़त्म हो गया? प्यार कभी ख़त्म हुआ है भला? राधा और कृष्ण 100 साल एक दूसरे से जुदा रहे, क्या वो प्यार ख़त्म हो गया? उनकी 16,000 रानियाँ उनके साथ रहीं, क्या वो प्यार ख़त्म हो गया? क्या कमियां उनमें नहीं थी? कमियां सब में होती हैं। आप किसी की कमियों से प्यार कर लें वो प्यार होता है, पहले तो आप अपने प्यार की परिभाषा को सही कर लीजिए। अगर आप ये कहते हैं मैं किसी की अच्छाइयों से प्यार करूंगा तो वो प्यार नहीं, वो इंसान गंदा है, अच्छा है, बुरा है, भला है, काला है, गोरा है। आप उसकी हर एक चीज़ से प्यार कर लें तब बोलिएगा। और जब आप किसी को इतना समर्पित होकर प्रेम करेंगे तो वो तो आपको प्यार देगा ही देगा ना। सब कुछ करने के बाद भी कुछ ना कुछ दिक्कतें, परेशानियां, बहुत छोटी छोटी बातें रिश्तों को ख़त्म करने पर आ जाती हैं। ग्रहों को दोष दे दें, मंगल, गुरु, शनि, इन सब के लिए कह दें कि जीवन के अंदर तकलीफें ग्रहों की वजह से आ गई, ग्रह गोचर ऐसे आ गए, दशा अंतर दशा ऐसी आ गई। परंतु जो भी है जी, हमें तो हमारा रिश्ता मजबूत चाहिए, हमें तो हमारे इंसान के साथ वापस से वही लगाव, वही प्यार और वही अपनापन चाहिए। तो क्या कर लेना चाहिए? सटीक वशीकरण के उपाय बता रही हूँ, उठा लीजिए कॉपी पेन और लिख लीजिए क्या करना है आपको। मंगलवार के दिन बरगद के पेड़ पे जाकर आपको मीठे दूध से 7 परिक्रमा लगानी है, और जब आप ये 7 परिक्रमा लगाएं तो 7 परिक्रमा के साथ साथ आप वो बरगद के पेड़ के ऊपर वो दूध चढ़ाते जाएं। 7 परिक्रमा पूरी होने के बाद आप 8वीं परिक्रमा लगाएंगे, जिसके अंदर आप एक मोली से उस पेड़ के ऊपर धागा बांध देंगे, मोली बांध देंगे, ठीक है। उसके बाद में आप अपने घर से कुछ मीठा बना कर ले जाइए और आप बरगद के नीचे रख दीजिए। तत्पश्चात आपको चूड़ियाँ लेनी है, हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे धागे में बांधकर या हरे कपड़े की लीर से बांधकर आपको उस बरगद के पेड़ की जो जटाएँ होती हैं ना वहाँ पर बांधानी है। साथ में एक काम करना है, आँख बंद करके आपको वहाँ पर बैठना है। बैठने के लिए कोई आसन होना चाहिए, कोई कपड़ा होना चाहिए, डायरेक्ट मत बैठ जाइएगा।
किसी आसन पे या किसी कपड़े पे बैठिएगा, एक अगरबत्ती जलाइएगा या दीपक या फिर धूप जलाइएगा या कपूर जलाइएगा और फिर वहाँ पर बैठकर प्रार्थना करिएगा कि मेरा नाम ये है, मेरे पति का नाम ये है, वो मुझसे दूर हो गए हैं, वो मुझसे नाराज़ हैं, वो मुझसे खफा हैं, हम दोनों में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी आपके मन में हो, एक अपना सखा समझकर, आप अपनी माँ समझकर, आप अपना गुरु समझकर, जो भी आपको कहना, जो चाहिए बोल आइए पूर्ण विश्वास के साथ। देखिएगा वो वट वृक्ष आपको आपके जीवन की खुशियाँ ज़रूर प्रदान करेंगे। हर 1.5 महीने के बाद आपको ये क्रिया वापस दोहरानी है। चलिए दूसरा महा उपाय जिससे आपके जीवन में आ रही दिक्कतें खत्म हो जाए, आपके पति आपके इर्द गिर्द घूमने लग जाएं, नाच नचाएं, तो चलिए नचा देते हैं आपके पति को आपके इर्द गिर्द नाच। क्या करना है आपको, आपको लाल धागे में बंधे हुए घुंघरू लेने हैं, साथ में आपको शहद की एक शीशी लेनी है और आपको मिठाई का एक डिब्बा लेना है और साथ में आपको एक कटोरी के अंदर कम से कम 100 ग्राम सिंदूर लेना है। ये सिंदूर लाल वाला होना चाहिए। क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले बरगद के पेड़ के नीचे जाकर मिठाई चढ़ानी है, उसके बाद में आपको पूरी की पूरी शहद की शीशी वहाँ पर डालानी है, तत्पश्चात उसके ऊपर आपको वो एक कटोरी सिंदूर डाल देना है और उसके बाद उसकी जो जटा होती है उसके ऊपर आपको लाल धागे में बंधे हुए घुंघरू वहाँ पर बांधने हैं। आपको 21 परिक्रमा लेनी है उस बरगद के पेड़ की और आपको यही विनती करनी है कि मेरे जीवन में से किसी तीसरे की वजह से अगर आपका रिश्ता ख़राब है तो उसका नाम लीजिए, नहीं तो आप अपने और अपने पति का नाम लेकर ये दुआ करिए कि आपकी सारी चीज़ें पूरी हो जाएं और आप अपने पति को अपने वश में कर पाए। एक और अचूक उपाय बताने जा रही हूँ आपको, लेकिन ये आपको करना है शनिवार की रात्रि। क्या करना है आपको, वट वृक्ष के नीचे जाना है, रात्रि के 10 से 12 बजे के बीच का समय होना चाहिए। थोड़ा सा कठिन काम है लेकिन अगर आप कर लेंगे तो यकीन मानिए कि आप जो चाहती हैं वो आप पा लेंगी। क्या करना है आपको, बहुत छोटा सा उपाय बताती हूँ। वट वृक्ष पर आपको 2 मोर पंख लेकर जाने हैं, 2 मोर पंख आपको वहाँ पे हल्का सा गड्ढा करके खड़े करके वहाँ पर लगा देने हैं, यानी कि गाड़ देने हैं। उसके बाद में उनकी जो जटाएं होती हैं ना उसके ऊपर आप 7 काले रंग के कपड़े की लीर से उनको बांधेंगे। 7 काली लीर लेकर जाएंगे कपड़े की लंबी लंबी काट के काले रंग की और वहाँ पे उनकी जटाओं पर आप 7 लीर लगा देंगे। जटाएं भी 7 होनी चाहिए, कपड़े भी 7 होने चाहिए और गांठ भी 7 होनी चाहिए। देखिएगा 7 जन्मों का 7 फेरों का आपका जो ये बंधन है ये आपको और मजबूती से एक दूसरे के पास ले आएगा। पूर्ण विश्वास के साथ कहिएगा कि हे ठाकुर जी, बिल्कुल मेरे ठाकुर जी का नाम लेकर कहिएगा, कहिएगा हे ठाकुर जी मेरे पति को सिर्फ मेरा बना दीजिए, हम दोनों के बीच में जो भी दिक्कतें जो भी परेशानियां हैं उन्हें दूर कर दीजिए और वो सदा सर्वदा के लिए मेरे हो जाएं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। अगर आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी हो जाती है तो आपको एकादशी वाले दिन उसी वट वृक्ष पे जाकर लाल चुन्नी चढ़ानी है, लाल चूड़ी चढ़ानी है, लाल बिंदी और लाल सिंदूर चढ़ाना है और साथ में आपको ठाकुर जी का स्मरण करके धन्यवाद करके वहाँ पे थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाना है और उसके बाद वो प्रसाद आपको गरीबों में बांट देना है। ये पूरी क्रिया करिएगा, अगर आपने पहली करी और दूसरी नहीं करी तो आपके रिश्ते में फिर खटास आनी चालू हो जाएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, महावशीकरण टोटके दिए हैं मैंने आपको, करके देखिएगा, पति आपके ज़रूर आपके हो जाएंगे और आपके ऊपर वट देवता की ज़रूर कृपा बरसेगी ही बरसेगी। ठाकुर जी के आशीर्वाद के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर आऊँगी कुछ नया कुछ अलग कुछ अद्भुत लेकर, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा प्यार लेते रहिएगा। अच्छा लगे तो अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलती हूँ, ख्याल रखना अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं, फिर आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं।
अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।